कितना दर्द था शिक्षा मित्रों के लिए, कहीं सांप न काट ले, कहीं बिच्छू न काट ले। जिस अधिकारी से ने कहा मेरा सब कहना है, मुझे मोबाइल नंबर अलर्ट कर दे दिया जाए, मैं सर उनसे बात करूंगा कि देखिए अब सर जो शिक्षा मित्र मर रहे हैं, मैं 10,000 पे मर रहा हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की शादी कैसे करूं, इनकी परवरिश कैसे करूं, कैसे इनका कैसे सरवाइव कर सकूं। सर आप लोग तो बड़ी खूबसूरती के साथ, इतना मेहनत से सजाया गया था, इतने लोगों ने मेहनत करा था, एकता के लिए मिश्रा जी बैठे हुए, जबरदस्त कोशिश करी, मैं उनकी सराहना करता हूँ, आखिर दम तक करता रहूंगा। लेकिन उसका धरना तेरे अंजाम पे रोना आया, खत्म कहाँ पे हुआ? वही ढाक के 3-5 जहाँ पे मैं 14 में था, और 14 में फिर वही बात कि पता चला एक साहब ने कह दिया कि टेट के बगैर मैं मुझे सीधा टीचर बनाइए, और लोग कहा नहीं वेरी गुड, मैं भी मेरी खामोश सहमति है, मेरी मौन स्वीकृति है, अगर आपको मौका मिले आप लगाइए प्रोग्राम। और प्रोग्राम में देखिए सर आर पार लफ्ज न बोलिए, आप ऐलान करिए कि उस दिन जेल भरो आंदोलन होगा, क्या दिक्कत है सर? वहीं खाना पीना खाया जाएगा थोड़े दिन, क्या दिक्कत है? हमारे 65 साथी एक बार गए थे, मेरे चिनाट ब्लॉक का एक चंद्रिका प्रसाद गया था, वो 5-6 दिन रहा, हम लोग भाई कचहरी के बहुत चक्कर लगाए, जमानत हुई, छूट क्या है, मैंने कोई क्राइम तो करा नहीं था, मैंने अपना हक मांगा था, लोकतंत्र में अपना हक मांगना जैसे भी हो वो। लेकिन उसके लिए सर जो लोग लीडर हैं इस्तीफा ना दें, मैं इस्तीफा का ही नहीं मांग रहा हूं, लेकिन सभी लोग ये सोचें कि अच्छा फिर 90% शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ है। आपकी सर मिश्रा जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपके अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप मैं इस्तीफा कतई नहीं मांगता और आखिर तक नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं उस संगठन से जुड़ा रहा, लेकिन ये जरूर है कि रणनीति पूरी तरीके से बदलिए, ये सर धरना लगाइए, खत्म कर दीजिए, मांग पर 14 सूत्री बनाइए, उस पर सहमति हो गई, एक महिला फलाना ढमाका, ये सब कुछ रखा नहीं है इसमें। उम्र क्या बची मेरी सर, 51 साल का मैं लगभग हो रहा हूँ और 9 साल बचे हैं, तो उसमें आप लोग अपना ये सब कुछ करते रहिए, हम लोग सब भी करते रहे, हम भी आएंगे, आप भी सजाइए, लेकिन सर कुछ ऐसा करिए जो अलग हटके हो। रणनीति मेरी ये है कि मांग पत्र आपका वो कंफ्यूज वाला ना हो। एक सरकार थी कि आपको रोज सुनती थी, आप लोगों ने हम लोगों ने इतना सुनाया कि उस सरकार को कंफ्यूज कर दिया, एक सरकार ऐसी है कि वो कतई सुनने की नहीं तैयार। अब मसला ये है कि अगर कल हुकूमत हमारे पॉजिटिव में आ जाए तो हम लोग इतने मांग पत्र देंगे कि सरकार ये जान ही नहीं पाएगी कि हमें करना क्या है, कुछ सरकार जान ही नहीं पाएगी क्योंकि 14 सूत्री 15 सूत्री 12 सूत्री 11 सूत्री मांग पत्र होगा और उसमें इस पे सहमति बनी। तो सर मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भविष्य में जब कुछ प्रोग्राम किया जाए, चांस अगर कुछ हो जाता है, मिश्रा जी बैठे हैं, लगे हैं, बराबर कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी कोशिश को सलूट करता हूँ। धर्मेंद्र भाई हमारे शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और बड़ा उनका योगदान रहा है, और अनुदेशक के लिए हमारे बड़ी बेचारे मेहनत कर रहे हैं विक्रम जी, लेकिन विक्रम जी का भी मांग पत्र 11 सूत्री है, उसमें 11 बातें बता दी, वो एक संपत सरल एक शायर हुए, उनका जरा सा सुन लीजिए, वो मांग पत्र मेरा वैसे ही रहता है, हम लोगों का 11 सूत्री है और 11 बातें बता दी जाती है कि देखिये ये मेरे बस में नहीं, ये मेरे बस में नहीं, ये जवाहरलाल छोड़ गए, ये समस्या कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, ये सपा ने गलती करी थी, और गलतियां बता दी जाएंगी और कहेंगे ये वित्त का मामला है, ये प्रशासनिक का मामला। अरे भाई एक सूत्री मामला मेरा ये है कि 17,000 तत्काल अनुदेशकों को मिले, क्या दिक्कत, 17,000 तत्काल मिले, मेरी कोई मांग ही नहीं। और जिससे जाइए सर, जिस ब्यूरोक्रेट के पास, जिस नेता, कुछ नहीं होगा 17,000 से, क्या होगा, महंगाई देखिए कहां पहुंची, देखिए। लेकिन लेकिन बेटा आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे, डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। बेटर देन नथिंग सर कुछ तो हो जाए, मतलब सर जैसे लखनऊ से किराया जो बाहर से आए, कम से कम उसका किराया उससे सर कुछ तो अदा हो जाए। अरे भाई रिटायर तो हम 60 पे वैसे भी हो जाएंगे, चाहे 10 पे रिटायर हो जाए, चाहे 17 पे रिटायर हो जाए, ये कहने का मतलब मेरा है। बस रणनीति बदलिए, ये जो रणनीति चल रही है इसमें सर कुछ होने वाला नहीं है। आज एमएनसी से मिले, आज चीफ सेक्रेटरी से मिले, आज इससे कुछ होना नहीं है,
वो पहुंचा ब्यूरोक्रेट से कतई मिलना बंद कर दीजिए, किसी भी ब्यूरोक्रेट से मिलना बंद कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब समय हो रणनीति रणनीति वो कल फिर करेंगे बातचीत, समय हो चुका किसी भी ब्यूरोक्रेट से कतई कोई ना मिले, ना निदेशक मिले, ना शिक्षामित्र मिले। ब्यूरोक्रेट माने क्या, वो तो जैसे नौकर, वो बड़ा नौकर। पॉलिसी तो हमारे हमारे लोकतंत्र में जो जो मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, अच्छा शिक्षा मित्रों को भी हटा दें और पूरी निश्चित रूप से, क्योंकि समय हो चुका है और आसिफ जी से संपर्क भी टूट गया और सब अधिकारियों से मंत्री से किसी न किसी से मिलकर कोई तो रास्ता बनाओगे, मिलोगे नहीं तो संवाद नहीं होगा, तो बातचीत वैसे ही रुक जाएगी। विक्रम सिंह, रमेश मिश्रा, धर्मेंद्र पांडे, सबका आभार, आसिफ का भी आभार, धन्यवाद। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अब बेहद जरूरत आ पड़ी है कि जल्द से जल्द निर्णय सुनाया जाए, शिक्षा मित्रों को कोई अच्छी खबर सुनाई जाए। सर 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 आपसे एक निवेदन है सर, सर इस डिबेट को संगठन बनाया जाए प्लीज सर। हम देख रहे हैं डिबेट का इशू सर कुछ और हो जा रहा है। हम सब अपनी बात करें, हम देख रहे हैं संगठन का पंचायत का अड्डा बनता जा रहा है सर। प्लीज सर, नहीं संगठन हम का चाहते नहीं इस प्रकार की संगठन के, नहीं सर वही हम देख रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मकसद यह है कि ये सब हम ना हो सर, बार बार एक ही बात हो कि 5 तारीख को क्या हुआ। अब ये सब से हम लोग आगे बढ़े, अब आगे की बात करें ना, पीछे की बात बहुत ज्यादा बार बार हमें नहीं अच्छा लगता है, हो सकता है और लोगों को अच्छा लगता हो। नहीं नहीं, उस पर बात करने से सर हम लोग को बचना चाहिए। 5 तारीख पर जितनी चर्चा, पूरी दुनिया देख रही है सर, उसमें कमियां निकलती हैं। इस डिबेट को सर पूरी दुनिया देख रही है ना, तो हम लोग अच्छी बात करें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इससे ऊपर हट के कैसे शिक्षा मित्र का भला हो, कैसे अनुदेशक का भला हो, इस पे हम सब लोग काम करें। और पीछे की बातों को लाना हमें नहीं लगता है कोई अच्छी बात है कि 5 तारीख को आधी रात में क्या हुआ, ये सब बातों पे बार बार चर्चा करना हमें नहीं लगता अच्छा है, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे किसी को। आपका ठीक सुझाव है और ये सुझाव भी रहेगा, और शिक्षा मित्र भी इससे आते आ चुके हैं, वो कमेंट में भी हमें लिखते हैं कि आगे बढ़िए अब क्या होगा, पिछली बातों से उन्हें भी पसंद नहीं आता है सुनना। लेकिन ये हम कहेंगे कल, सबसे मेरी ये अपील है जो दर्शक जुड़े हुए हैं कि कल कम से कम 10,000 की संख्या दिखाइए और फिर हम आपको दिखाते हैं क्या होता है अगला काम, क्योंकि सब अब दबाव में आते चले जाएंगे, काफी बड़ी खबरें आएंगी निकल के, क्योंकि शिक्षा मित्रों को जो न्याय नहीं देगा, पहले के भी मुख्यमंत्री गड़बड़ हुए और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री के पद खराब होंगे। ये गरीब की हाय किस किस को खा जाती है लोग समझ नहीं पाते हैं, किस किस को कितना नुकसान पहुंचाती है लोग समझ नहीं पाते हैं, जब नुकसान हो जाता है तब समझ पाते हैं कि मेरा तो नुकसान हो गया। तो मैं सबको ये कहूंगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रमुख सचिव हो या अपर प्रमुख सचिव हो, सब लोग इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बारे में सोचें, कभी विचार करें कि 10,000 और 9,000 रुपया में परिवार कैसे चलता होगा किसी गरीब का। तो मुझे लगता है कि सब लोग इस बात पर जोर देंगे कि शिक्षक अगर भूखा सोता है तो देश और प्रदेश के विकास की चर्चा करना बेमानी साबित होगा। अगर जब हम शिक्षक को ही रोजी रोटी नहीं दे सकते हैं तो क्या हम आम आदमी को रोजगार की चर्चा करेंगे। 19 और 14 के इलेक्शन चुनाव में जो अपार बहुमत मिला उसमें किसी का भी ख्याल रखना किसी नेता ने अच्छा